श्री परमात्मने नमः, हरये नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथाष्टमोध्यायः, श्लोक 26, 27 एवं 28। श्लोक 26। शुक्ल कृष्णे गति येते जगतः शाश्वते मते, एकयायात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। शुक्ल कृष्णे गति येते जगतः शाश्वते मते, एकयायात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। श्लोक 27। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। श्लोक 28। वेदेषु यज्ञेषु तपः सुचैव, दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम्, अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपः सुचैव, दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम्, अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। श्लोक 26। अर्थ: क्योंकि जगत के ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं, इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। श्लोक 27। अर्थ: हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता, इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। श्लोक 28। अर्थ: योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादि के करने में जो पूर्ण फल कहा है उन सब को निःसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षर ब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः।